तो भाई तो मैं हूँ अंकित धाकड़। जैसे SP125 को मैंने मेन स्टैंड पे लगा रखी है, तो इसका मतलब आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। तो देखो तो भाई, मैंने बिना टायर अपग्रेड वाली, मतलब जैसे पतला टायर आता था वो भी राइड की है, जिसमें टायर अपग्रेडेड आता है वो भी राइड की है। तो मैं आपको एक चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको इसका टायर अपग्रेड करवाना चाहिए या नहीं। तो देखो भाई, अगर आपको ऐसा कुछ मेजर, जैसे आप इसकी ज़्यादा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, इतना कुछ वीडियो को लेंथी बनाने का मेरा कोई मोटिव यहाँ पर नहीं है। देखो भाई, अगर आप इसको जो वीडियो उस अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रफली ड्राइव करते हैं गाड़ी को, कॉर्नरिंग वर्निंग करने में आपको ज़्यादा, जैसे आप बहुत सारे भाई होते हैं कॉर्नरिंग के दीवाने, तो कॉर्नरिंग करते हैं, तो यू मस्ट नीड टू टायर अपग्रेड, मतलब आपको टायर अपग्रेड करवा लेना चाहिए। हालांकि इसमें आपको जो रिम है उसमें डिफरेंस मिलता है या नहीं, तो ये मैं एक बार कन्फर्म करके आपको स्क्रीन पर शो हो ही रहा होगा कि रिम में डिफरेंस है या नहीं। दोनों की रिम, अगर रिम साइज़ सेम है तो आपका जो उसका टायर आप अपग्रेड करवा दें। इसमें आप पहले से 80x100 का टायर मिलता था, 100x80 का टायर यहाँ पे दिया है। इसका एक नेगेटिव भी निकल के आता है, हालांकि जो ये बाइक है इसका टायर चौड़ा है, तो जैसे आप उसको वेट सरफेस में ड्राइव करते हैं गीले रोड पर, तो यहाँ से छींटे उड़ाएगा, और आपको जो पीछे जो पियोन जो भी बैठा है, पिलन जो भी पैसेंजर बैठा है, उसका जो पीछे वाली ये वाली साइड है पेंट की, ये वाली आपकी पेंट की साइड गंदी हो जाएगी। तो ये इसका नेगेटिव निकल, क्योंकि इसका जो मडगार्ड साइज है पीछे से बहुत पतला है और ये कर्वी सा टाइप में, तो इसका जो नेगेटिव ये निकल कर आपको आता है। तो इसका टायर साइज आपको अपग्रेड, अगर आपका बजट इशू नहीं है तो आप इसको करवा सकते हैं, हालांकि लेकिन इतना कुछ मस्ट नीडेड भी नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और हाँ, आपका माइलेज ज़रूर ड्रॉप होगा, अगर आप मोटा वाला टायर डलवाते हो तो आपका माइलेज यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। इतना कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा कि 50 से डायरेक्ट 40 पे आ जाएगा, नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर का माइलेज ड्रॉप यहाँ पर आपको मिलेगा। तो अगर आप इसका टायर अपग्रेड करवाना ही चाहते हैं कि आपको टायर अपग्रेड करवाना ही है, तो देखो दोनों में राइड क्वालिटी में इतना कुछ मच डिफरेंस आपको नहीं फील होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको लिटिल लिटिल डिफरेंस यहाँ पे लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस आपको अच्छा खासा मिलेगा, कॉर्नरिंग एट द टाइम कॉर्नरिंग ग्रिप भी अच्छी खासी मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आप टायर अपग्रेड करवाना चाहते ही हैं तो आप टायर अपग्रेड करवा, जैसे तो OBD2 वाले, तो उसमें आपको ऑलरेडी अपग्रेड यहाँ पे टायर मिला है कंपनी से ही, उसमें MRF का टायर यहाँ पे दिया है कंपनी, तो ये सारी चीज़ें इसमें अपग्रेडेड ही आई है। जिसका टायर अगर आप अपग्रेड करवाना चाहते हो तो आप अपग्रेड करवा लें, लेकिन देखो मैं पर्सनली जैसे नई लेते से अगर आपका टायर नया है तो अपग्रेड ना करवा, क्योंकि इतना कुछ मेजर डिफरेंस भी नहीं है कि आपको टायर अपग्रेड कराना पड़े, इतनी कुछ बेकार क्वालिटी। हालांकि इसके पीछे से लुक्स जरूर बिगड़ते हैं उस टायर की वजह से। तो अगर इसका टायर आपका घिस गया है तो उसका रिम साइज़ शायद मुझे लगता है डिफरेंस है थोड़ा सा रिम में, अगर नहीं हो तो आप इसका टायर चेंज करवा लें, क्योंकि टायर चेंज करवाने से आपको लुक्स बन जाएंगे और आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा ये OBD2 वाली है, OBD BS6 Phase 1 वाली ही है। तो यही कुछ था वीडियो, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।